तो पांचवा अध्याय आज प्रारंभ होने वाला है अंत्यखंड का। तीस अध्याय में शांतिपुर से महाप्रभु का कुमारहट में श्रीवास के भवन में आगमन, ये पहला चरित्र होगा आज। फिर श्री शिवानंद सेन एवं श्रील वासुदेव ठाकुर के साथ मिलन दूसरा, फिर श्रीवास के प्रति वरदान तीसरा, चौथा पानी हाटी में श्री राघव पंडित के घर विजय शुभ आगमन, फिर पांचवा वहाँ भक्तगण के साथ मिलन, छठा बराह नगर में गमन पूर्वक कोई एक भागवत पाठक वैष्णव विप्र को भागवत आचार्य की पदवी प्रदान, सातवां पुनः नीलाचल में आगमन, आठवां महाप्रभु के दर्शन के लिए प्रताप रुद्र की आरती, नौवां स्वप्न में राजा के द्वारा श्री जगन्नाथ के साथ श्री गौर सुंदर की अभिन्नता दर्शन एवं पुष्प उद्यान में सपार्षद महाप्रभु के श्री चरण में राजा की प्रणति एवं दैन्य उक्ति, दसवां गढ़ सहित नित्यानंद को श्री नीलाचल से गौड़ देश में प्रचारार्थ भेजना, ग्यारह नित्यानंद के द्वारा गौड़ देश में प्रेम प्रचार एवं पतित पावन लीला, बारह और श्री नित्यानंद के पार्षद वर्ग का तथा ग्रंथकार के द्वारा अपने आप का श्री नित्यानंद के शेष भृत्य के रूप में परिचय प्रदान करते हुए इस अध्याय की समाप्ति हुई है। तो टोटल कितने हो गए? तेरह। तेरह टॉपिक पर चर्चा होगी इस अध्याय में, 13 टॉपिक्स एक चैप्टर। ऐसी ऐसी लीला जो हमने मतलब ज़्यादातर लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, उन लीलाओं का आज वर्णन है। जय जय कहाँ है करता श्री गौरा सुंदर सर्व गुरु, जय जय भक्त जन वंशा कल्पतरु, जय जय नसीमणि श्री वैकुंठनाथ, जय जय प्रतीकर प्रभु शुभ दृष्टि पात, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, जय जय श्री करुणा सिंधु दयामय, शेष खंड कथा भाई सुनाए कमाने, गौरा सुंदर बिहारी लेना जे माने, कत दीना था कि प्रभु अद्वैते रघारे, आइला कुमार हट श्रीवास मंदिरे, कृष्ण ध्यान आनंदे वासी अच्छे न श्रीवास, अच
जम्भीते ध्यान फल सम्मुखे प्रकाश निज प्राण नाथ देखी श्रीवास पंडित निज दंडवत हैया पड़िला पृथ्वीता चरण बक्ष करी पंडित ठाकुर उचे स्वर दीर्घ सासे कंदे ना प्रचुर गौरांग सुंदर श्रीवासे रे करी कोले सिंचिले नयांग तान प्रेमानंद जले सर्वगुरु श्री गौर सुंदर की जय हो। भक्त जन वांछा कल्प तरु प्रभु की जय हो। सन्यासी शिरोमणि श्री वैकुंठ नाथ की जय हो। हे प्रभु जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। भक्त गोष्ठी के साथ श्री गौरांग की जय हो। श्री करुणा सिंधु दयामय की जय हो। हे भाइयों शेष खंड की कथा एकाग्रचित होकर सुनो। श्री गौर सुंदर ने जिस प्रकार से विहार किया है उन सब कथाओं को ध्यान से सुनिए। कुछ दिन अद्वैत के घर में रहकर प्रभु कुमारहट्ट में स्थित श्रीवास के मंदिर में आप पधारे। कुमारहट्ट कहाँ है अभी, उसका नाम क्या है बताइए? हाली शहर। नाम बदल के क्या हो गया? हाली शहर। ये बांग्लादेश में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ईवीआर लाइन में काचरापाड़ा स्टेशन के सामने, काचरापाड़ा स्टेशन का नाम है उसके सामने। इस स्थान पर श्रीवास पंडित श्री शिवानंद सेन श्री वासुदेव दत्त ठाकुर आदि गौर भक्त रहा करते थे। कुमारहट्ट और ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान भी है, चैतन्य महाप्रभु जाकर वहाँ से धूल लेकर आए थे। कृष्ण ध्यान के आनंद में श्रीवास बैठे हुए थे अपने घर में। क्या कौन? अचानक ध्यान का फल सामने प्रकाश में आ गया। क्या फल आया? स्वयं आ गया भगवान। निज प्राणनाथ गौरांग महाप्रभु को देखकर श्रीवास पंडित दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री चरणों को अपने वक्ष पर धारण करके पंडित ठाकुर लंबी सांस के साथ ऊंचे स्वर में प्रचुर क्रंदन करने लगे। महाप्रभु अगर आपके सामने आएंगे तो आप क्या करोगे वरुण प्रभु? शॉप
कुछ भी नहीं, कुछ तो सबसे पहले तो प्रणाम करना है, उसके बाद जो है देखिए महाप्रभु के चरण को लेकर अपने वक्षस्थल पर रख लेना चाहिए। फिर पंडित ठाकुर लंबी सांस के साथ ऊंचे स्वर में रोने लगे। गौरांग सुंदर ने श्रीवास को गोद में लेकर उनका श्री अंग प्रेम आनंद के जल से सिंचित कर दिया। गोद में ले ली, ऐसे आलिंगन कर लिया श्रीवास। चैतन्य की कृपा से सुकृति संपन्न श्रीवास गोष्ठी के सब व्यक्ति प्रभु को देखकर भुजाओं को ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। मतलब जहाँ जितने सारे भक्त थे वहाँ पे वो सब जो है वो चैतन्य महाप्रभु को देखकर रोने लगे। वैकुंठ नायक को घर में पाकर श्रीवास अपने उल्लास को नहीं जान पाए। अपने सिर पर एक उत्तम आसन रखकर वे प्रभु के लिए लाए, सिर पर आसन रख के प्रभु के लिए लाए और प्रभु को प्रदान किया। कमल लोचन प्रभु उस आसन पर बैठ गए। चारों ओर सारे पार्षद गण बैठकर अनुक्षण कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। करिए कीर्तन, हरे कीर्तन कीजिए। का कीर्तन था ये श्रीवास ठाकुर के घर में। एक तो श्रीवास अंगन यहाँ है महादीप में, मैं बोलूँ अरे कुमार हट में पतिव्रताएं घर में जय ध्वनि प्रदान कर रही थी। श्रीवास का भवन आनंदमय हो गया। पंडित के घर प्रभु के आने का समाचार पाते ही पुरंदर आचार्य वहाँ आ पहुँचे। पुरंदर आचार्य, उन्हें देखकर प्रभु ने उन्हें पिता कहकर संबोधित किया और प्रेम के आवेश में मत होकर उन्हें अपनी गोद में ले लिया। परम सुकृतिवान पुरंदर आचार्य प्रभु को देखकर अधीर होकर बहुत क्रंदन करने लगे। उसी क्षण शिवानंद सेन आदि प्रियजनों के साथ वासुदेव दत्त भी आ पहुँचे। शिवानंद सेन के साथ कौन है? वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त प्रभु के परम प्रिय थे। प्रभु की कृपा से उन्हें सभी तत्वों की जानकारी थी। वासुदेव दत्त जगत के हितकारी थे। चैतन्य के रस में मत्त वासुदेव दत्त सब प्राणियों के प्रति कृपालु थे। कृपालु मतलब ये कृपालु घर हुआ है, है? भगवान धाम कृपालु मतलब ये थोड़े होते हैं। कृपालु मतलब जो कृपा देता है।
किसी के दुख को देखकर जो जिसके मन में भाव आता है कि उसको हेल्प करना चाहिए, दया है, वो उसको कृपालु बोलते हैं ना। कृपा, कृपा से बना है कृपालु। वे गुणग्राही और किसी के भी दोषों को नहीं देखने वाले थे। कौन? वासुदेव दत्त, यही है ना। किसी के गुणों को वे गुणग्राही थे, हमें भी क्या बनना चाहिए? गुणग्राही, दोषग्राही नहीं। तो किसी के जो भी मिलता था उसके गुण देखते थे और किसी का भी दोष नहीं देखते थे। समझ में? उनकी ईश्वर में और वैष्णव में यथायोग्य रति मति थी, दोनों में मति रति। किस 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 में किस में? हाँ, वेरी गुड। उनकी वासुदेव दत्त को देखकर श्री गौर सुंदर उन्हें गोद में लेकर बहुत क्रंदन करने लगे। वासुदेव दत्त भी प्रभु के चरण पकड़कर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे। बड़ा मुश्किल। अपने आप नीचे, ठीक है, सो के। वासुदेव भी प्रभु के चरण पकड़कर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे। वासुदेव का क्रंदन देखकर औरों का क्या कहना, शुष्क काष्ट और पाषाण आदि भी रो रहे थे। कौन? ये क्या है? सूखी हुई लकड़ी, सूखी लकड़ी भी रो रही थी, पत्थर भी रो रहा था। वासुदेव दत्त की जीवनी जितनी गुण सीमा थी, इसकी तुलना वासुदेव दत्त को छोड़कर और किसी से नहीं की जा सकती। श्री वासुदेव दत्त से प्रभु की इतनी प्रीति थी कि प्रभु कहने लगे कि मैं निश्चित रूप से वासुदेव का हूँ। स्वयं श्री गौरचंद्र बारंबार कह रहे थे, मेरा यह शरीर वासुदेव दत्त का है। क्या बोल रहे थे महाप्रभु? वासुदेव दत्त का है। दत्त मुझे जहाँ बेचते हैं मैं वहीं बिक जाता हूँ। सचमुच इसमें अन्यथा कुछ नहीं है। वासुदेव दत्त की हवा जिनके शरीर में लग जाती है, कृष्ण सदैव उनकी रक्षा किया करते हैं। वासुदेव दत्त की हवा भी अगर किसी को लग जाए चलते समय, हे वैष्णव मंडली सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा यह शरीर केवल वासुदेव का है। वासुदेव दत्त के प्रति प्रभु की कृपा सुनकर वैष्णवगण आनंद से हरिध्वनि करने लगे। वासुदेव क्यों इतने प्रिय थे भगवान को? प्रीचिंग स्पिरिट के कारण। हाँ, कृपालु है तभी प्रीचिंग स्पिरिट आएगा। तो बोले कि मैं सत्य कह रहा हूँ, है ना। वासुदेव दत्त के प्रति प्रभु की कृपा सुनकर वैष्णवगण आनंद से हरिध्वनि करने लगे। श्री गौर सुंदर भक्त को बढ़ाना चाहते थे। भक्त जैसा करता है स्वयं भी वैसा ही करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री गौर सुंदर आनंद के साथ कुछ दिन शिवास के घर में रहे। शिवास और रमाई दोनों भाई गुण कीर्तन किया करते थे। वैकुंठ के राजा विह्वल होकर नृत्य किया करते थे। श्रीवास और रमाई चैतन्य के अत्यंत प्रिय थे। दोनों चैतन्य के शरीर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकीर्तन, भागवत पाठ, व्यवहार और अनेक प्रकार की विदूषक लीलाओं से श्रीनिवास प्रभु को सुख देते थे। श्रीनिवास के घर में ही सबसे पहले प्रभु का प्रकाश हुआ था। एक दिन प्रभु श्रीनिवास के साथ एकांत में कुछ व्यवहारिक कथाएं कहने लगे। प्रभु ने कहा, देखता हूँ तुम कहीं जाते नहीं हो,
चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीनिवास श्रीवास ठाकुर को श्रीनिवास बोल रहे हैं। तो एक दिन महाप्रभु बोले कि मैं देखता हूँ कि तुम कहीं जाते नहीं हो, कैसे भरण पोषण करोगे, कैसे भरण पोषण करोगे, कैसे करते हो। श्रीवास ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। प्रभु ने कहा, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, ऐसा करोगे तो सबका पालन पोषण कैसे होगा। श्रीवास ने कहा, जिनके अदृष्ट भाग्य में जो कुछ भी है वही होगा, जैसे भी हो वही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, कम मिलेगा नहीं, जितना भाग्य में लिखा हो उतना मिलेगा। प्रभु ने कहा, फिर तुम संन्यास ले लो। क्या? हाँ भाई, इतना फेथ है तो संन्यास ले लो। श्रीवास ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा, संन्यास नहीं लोगे, भिक्षा करने को किसके द्वार पे भी नहीं जाओगे, फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। भगवान को भी समझ नहीं आ रहे, बोल रहे हैं आपस लीला कर रहे हैं। इस काल में कहीं नहीं आने जाने से बट मात्र भी किसी को नहीं मिलता, यदि तुम्हारे द्वार पर आकर कुछ न मिला तो तुम क्या करोगे, मुझे बताओ। बोले, दरवाजे पे खुद आ जाएगा। महाप्रभु लगे, नहीं आया इनकेस तो क्या करोगे, मुझे बताओ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, जो हमारे अंदर नहीं है ये भाव हैं। करें कि यदि तुम्हारे द्वार पर आकर कुछ न मिला तो तुम क्या करोगे, मुझे बताओ। हाथों से तीन तालियां बजाकर श्रीवास ने कहा, 1 2 3। मैंने यह खुलकर बता दिया, 1 2 3। इसका अर्थ क्या है, तुमने जो 1 2 3 कहा है इसका क्या अर्थ है, बोलो क्यों तालियां बजाई। श्रीवास ने कहा, मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि यदि 3 उपवासों के बाद भी आहार न मिला तो सच कह रहा हूँ, मैं गले में घड़ा बांध कर सचमुच गंगा में प्रवेश कर जाऊँगा। 3 उपवास के बाद है ना, अगर आहार नहीं मिला तो। श्रीवास की बात सुनते ही प्रभु श्री सचिंदर हुंकार पूर्वक बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित, क्या तुमने अन्न का उपवास करना पड़ेगा, तुम्हें अन्न का उपवास करना पड़ेगा। यदि कदाचित लक्ष्मी भिक्षा करने लगे तथापि तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। ले एक दिन हो सकता है आ जाए कि लक्ष्मी जी को भीख मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। यदि कदाचित लक्ष्मी भिक्षा करने लगे फिर भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। मैंने स्वयं गीता शास्त्र में जो कुछ भी कहा है, क्या तुम भी इसे भूल गए हो। श्रीवास बोले कि मैं तुमको जो बताया वो तुम भूल गए क्या, गीता में जो बताया था हैं। जो कुछ और चिंता न करके केवल मेरी ही चिंतन करते हैं, उन्हें मैं सिर पर ढोकर भिक्षा प्रदान करता हूँ। ये उछाम्य क्षेम बहामी अहम। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा है ना, कहते जो मेरा चिंतन करते हैं किसी के द्वार पर नहीं जाते, उन्हें अपने आप सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब अपने आप आते हैं, तथापि मेरा दास न तो मांगता है और न ही ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी आते हैं। मेरा सुदर्शन चक्र मेरे भक्त की रक्षा करता है, महाप्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। जो मेरे दास का स्मरण करता है उनका भी मैं पालन पोषण करता हूँ। मेरे सेवक का दास मुझे अत्यंत प्रिय है, अनायास वह मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। मेरे सेवक के भोजन की चिंता कैसी, मैं सर्वेश्वर जिनका पोषण करता हूँ उन्हें चिंता किस बात की है। श्रीनिवास, तुम सुख से घर में बैठे रहो, तुम्हारे घर द्वार पर अपने आप सब कुछ आ जाएगा। महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारे द्वार पर अपने आप सब कुछ आ जाएगा। अद्वैत को और तुमको मैं यह वरदान देता हूँ कि दोनों का शरीर जरा ग्रस्त नहीं होगा, मतलब तुम लोग कभी बूढ़ा नहीं होगे। कौन कौन? श्रीनिवास, अद्वैत और श्रीवास, ये दोनों कभी बूढ़े नहीं होंगे।
राम पंडित को बुलाकर प्रभु श्री गौर सुंदर ने कहा, मेरी बात सुनो राम, मेरी आज्ञा से तुम बड़े भाई श्रीवास की सभी प्रकार से ईश्वर बुद्धि से सेवा करना। हे मेरे श्री राम पंडित, कदाचित तुम प्राणों से अधिक श्रीवास की सेवा मत छोड़ना। किसको बोले? श्री राम पंडित को। मेरी आज्ञा से तुम बड़े भाई श्रीवास की सभी प्रकार से ईश्वर बुद्धि से सेवा करना। हे मेरे श्री राम पंडित, कदाचित तुम प्राणों से भी श्रीवास की सेवा मत छोड़ना। प्रभु का वचन सुनकर श्रीवास एवं श्री राम को अंतधीन आनंद मिला, दोनों पूर्ण काम हो गए। अभी भी श्री चैतन्य की कृपा से श्रीवास के द्वार पर लीला सब कुछ आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग श्रीवास ठाकुर को बता रहे थे। श्रीवास के की उदार चरित्र के बारे में क्या कहूँ। त्रिभुवन जिनके स्मरण से पवित्र होता है, जिनके घर में चैतन्य की सभी विलासों की प्रकाशन हुआ, उन श्रीवास ने ही सच्चे अर्थ में चैतन्य की सेवा की। इस प्रकार आनंद के साथ श्रीवास की इच्छा से श्री गौरांग महाप्रभु कुछ दिन श्रीवास के मंदिर में रहे। ठाकुर पंडित सर्वगोष्ठी के साथ प्रभु को देख देख कर आनंद में बहते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वील हैव ए स्मॉल एडवर्टाइजमेंट ब्रेक, तब तक मैं आ रहा हूँ। अरविंदाक्ष माधव एडवर्टाइजमेंट ब्रेक देंगे। ओके, द्वैत को और तुमको मैं यह वरदान देता हूँ कि दोनों का शरीर जरा ग्रस्त नहीं होगा। द्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर दोनों का शरीर बुढ़ा नहीं होगा, यह वरदान दिया महाप्रभु। श्री राम पंडित को बुलाकर प्रभु श्री गौर सुंदर ने कहा, मेरी बात सुनो राम, मेरी आज्ञा से तुम बड़े भाई श्रीवास की सभी प्रकार से ईश्वर बुद्धि से सेवा करना। ईश्वर बुद्धि मतलब हे मेरे श्री राम पंडित, कदाचित तुम प्राणों से भी श्रीवास की सेवा मत छोड़ना। प्रभु का वचन सुनकर श्रीवास एवं श्री राम को अंतहीन आनंद मिला, मतलब जो आनंद कभी खत्म ना हो उसको कहते अंतहीन। दोनों पूर्ण काम हो गए। अभी भी श्री चैतन्य की कृपा से श्रीवास के द्वार पर लीला से सब कुछ आ रहा है। तो आज भी श्रीवास ठाकुर के द्वार पर अभी कर किसी चीज की कमी नहीं है। श्रीवास की उदार चरित्र के बारे में क्या कहूँ। त्रिभुवन जिनके स्मरण से पवित्र होता है, किसके स्मरण से? हाँ, जिनके घर में चैतन्य के सारे विलासों का प्रकाशन हुआ, उन श्रीनिवास ने ही सच्चे अर्थ में चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है। इस प्रकार आनंद के साथ श्रीवास की इच्छा से श्री गौरांग महाप्रभु कुछ दिन श्रीवास के मंदिर में रहे। ठाकुर पंडित सर्वगोष्ठी के साथ प्रभु को देख देख कर आनंद में बहते रहे। कुछ दिन श्रीवास के घर में रहकर प्रभु ने पानीहाटी में राघव के मंदिर में गमन किया। पानीहाटी गए हैं ना, महाप्रभु भी वहाँ पे गए थे। श्री राघव पंडित कृष्ण कार्य में रत थे। सामने श्री गौरचंद्र विदित हुए। प्राणनाथ गौरचंद्र को देखकर श्री राघव पंडित दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रमा बल्लभ के चरणों को दृढ़ता के साथ पकड़कर राघवानंद आनंद से क्रंदन करने लगे।
प्रभु ने भी राघव पंडित को गोद में लेकर उनका अंग प्रेम आनंद के जल से सिंचित कर दिया। राघवानंद के शरीर में ऐसा आनंद हुआ कि वे स्वागत की कौन सी विधि अपनाए समझ नहीं पा रहे थे। जैसे आप बोले है ना, आपके भाव में राघव की भक्ति देखकर श्री वैकुंठनाथ ने राघव के प्रति शुभ दृष्टिपात किया। प्रभु ने कहा, राघव के घर में आकर और राघव को देखकर मैं सब दुख भूल गया हूँ। मुझे गंगा में स्नान करने से जो सुख मिलता है वही सुख मुझे राघव के घर में मिल रहा है। हंसकर प्रभु ने कहा, सुनो राघव पंडित, शीघ्र जाकर कृष्ण के लिए रंधन करो। रंधन मतलब आज्ञा पाकर श्री राघव परम संतोष के साथ प्रेम आनंद से रंधन करने को चले। ब्राह्मण ने मन चाही अपार भोजन सामग्रियों का रंधन किया। महाप्रभु नित्यानंद और सब प्रिय वर्ग के साथ भोजन करने को आए। लक्ष्मीकांत प्रभु श्री गौरचंद्र भोजन करते समय सभी व्यंजनों को प्रचुर प्रशंसा करने लगे। प्रभु बोले, राघव का रंधन कार्य कितना सुंदर है, ऐसा साग मुझे कहीं भी खाने को नहीं मिला। साग तो राघव पंडित जी बहुत मेन उनका विशेष था क्या, कुकिंग। महाप्रभु उनके घर इसलिए कुकिंग फेमस, उनकी सिस्टर भी थी, जिनका नाम था दमयंती। यह जानकर हैं, ऐसा साग मुझे कहीं भी खाने को नहीं मिला। यह जानकर कि साग प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं, राघव ने बहुत वैरायटी का साग लाकर रंधन किया था, कई वैरायटी का साग। इस प्रकार आनंद के साथ प्रभु ने भोजन किया और आचमन करके आसन पर आ विराजे। यह सुनकर कि श्री गौर सुंदर राघव के मंदिर में है, गदाधर दास शीघ्र धावित होकर वहाँ चले आए। गदाधर दास है ना, मतलब वो भी उधर ही रहते होंगे, है ना। प्रभु के परम प्रिय गदाधर दास का श्री विग्रह भक्ति सुख से परिपूर्ण था। सुकृतिमान गदाधर को देखकर प्रभु ने भी उनके सिर पर श्री चरण उठाकर रख दिए। किसके सिर पर? पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास द्वारा सेवित गौरांग प्रभु के श्री विग्रह में श्री गौरचंद्र का प्रकाशन था। वे उसी क्षण शीघ्र धावित होकर वहां चले आए। दूसरा परमेश्वरी दास, गदाधर दास और परमेश्वरी दास, वो भी आ गए। प्रभु को देखकर दोनों प्रेम योग से रोने लगे। उसी क्षण परम वैष्णव अंतहीन गुणों के अधिकारी रघुनाथ वैद्य आ पहुंचे। गदाधर दास, परमेश्वरी दास और अब रघुनाथ वैद्य। इस प्रकार के जहां तहां जितने वैष्णव थे सभी आकर प्रभु से मिले। स्वयं प्रभु श्री गौरचंद्र जहां साक्षात विराजमान थे उस पानीहाटी नाम के गांव में परम आनंद हो गया। श्री गौर सुंदर ने एकांत में राघव पंडित के प्रति कुछ रहस्यपूर्ण वचन कहे। बोलते हैं, हे राघव, मैं तुम्हें अपनी गोपनीय बात बता रहा हूँ। गोपनीय बात, नित्यानंद को छोड़ मेरा दूसरा और कोई नहीं है, ये गोपनीय बात है। क्या? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये नित्यानंद मुझसे जो भी करवाते हैं मैं वही करता हूँ। कौन? नित्यानंद।
हाँ, मैं तुमसे निष्कपट भाव से कह रहा हूँ, मेरा सारा कर्म नित्यानंद के माध्यम से होता है। जो मैं हूँ वही नित्यानंद है, मुझ में और नित्यानंद में कोई भेद नहीं है। यही अपने घर पर तुम सबको कुछ यही अपने घर पर तुम सब कुछ जान जाओगे। महाजोगेश्वरों के लिए भी जो दुर्लभ है वह सब कुछ नित्यानंद से तुम्हें सहज सुलभ हो जाएगा। इसलिए तुम अत्यंत सावधान होकर भगवान समझकर नित्यानंद की सेवा करना। श्री गौरांग चंद्र ने मकरध्वज कर के प्रति कहा, मकरध्वज कर नाम था एक वैष्णव का, मकरध्वज कर उनको देखते हुए कहे, बोले तुम श्री राघवानंद की सेवा करना। आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, हाँ मतलब किस कौन किसके अंडर में रहेगा ये बता रहे हैं, कौन किसका केयर करेगा कहेगा, सेवा करने का मतलब ये आपका केयर करेंगे, गाइडेंस समझ गए, आप रो हैंड ओवर कर रहे हैं ना, संरक्षण में रहिए। राघव पंडित के प्रति तुम्हारी जो प्रीति है सुनिश्चित रूप से जान लेना कि वह प्रीति केवल मेरी है। इस प्रकार से पानीहाटी गांव को धन्य करते हुए श्री गौरांग हरि ने वहां कुछ दिन बिताए। मतलब महाप्रभु को भक्तों के घर में जा जा के रहना, यही प्रेम आदान प्रदान ही मेन मिशन था, समझ रहे हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस केयर। और प्रचार तो ठीक है होगा ही, अपने आप होगा अगर हम इस पार्ट को अच्छा रखें तो। फिर प्रभु वराह नगर में महाभाग्यवंत एक ब्राह्मण के घर पधारे। कहाँ से वराह नगर गए, पानीहाटी से वराह नगर। वे ब्राह्मण भागवत में बड़े सुशिक्षित थे। प्रभु को देखकर ब्राह्मण भागवत पढ़ने लगे। उनका भक्ति योग का पठन सुनकर श्री गौरचंद्र नारायण प्रेम आविष्ट हो गए। प्रभु श्री गौरांग राय बोलो बोलो ऐसा बोल रहे थे और निरंतर हुंकार और गर्जन कर रहे थे। वे ब्राह्मण परम आनंद में मग्न होकर भागवत पढ़ रहे थे। प्रभु भी बाहरी शुद्ध बुद्ध भूल कर नृत्य कर रहे थे। भक्त की महिमा के श्लोक सुनते सुनते प्रभु पुनः पुनः पृथ्वी पर बछाड़ खा रहे थे। प्रभु ऐसे प्रेम का प्रकाशन कर रहे थे कि पछाड़ों को छोड़कर देखकर सब लोग भयभीत हो रहे थे। कौन से स्थान है, वराह नगर, यस। इस प्रकार से रात के 3 प्रहर तक भागवत सुनकर, मतलब 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक भागवत सुने महाप्रभु। मतलब रात में महाप्रभु भागवत सुनते थे, ये बड़ा अद्भुत बात है ना। कितनी रुचि है, 3 और रात दोनों, 3 में संकीर्तन, रात में भागवत। भागवत सुनकर गौर सुंदर नृत्य करते रहे। बाह्य बोध मिलने पर श्री सचिनंदन बैठ गए और आनंद के साथ द्विज का आलिंगन किया। प्रभु ने कहा, ऐसा भागवत पाठ मुझे कभी भी किसी के मुख से सुनने को नहीं मिला। महाप्रभु बोले, बड़े अच्छा भागवत आपने पढ़ा है, किसी के मुँह से नहीं सुनने को मिला। इस कारण तुम्हारा नाम है भागवत आचार्य। क्या, भागवत आचार्य नाम रख दिया। इसे छोड़ कुछ और कार्य मत करना, मतलब तुम भागवत ही पढ़ते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु द्वारा विप्र को दी गई योग्य पदवी को सुनकर सभी ने महान हरि ध्वनि की, हरि 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 हरि।
तो भागवत आचार्य नाम पड़ गया। उससे पहले क्या नाम था? मकर ध्वज कर, मकर ध्वज कर। हाँ, ये कौन है? भागवत आचार्य। एक ब्राह्मण थे बराहनगर में। कौन थे? जिनके घर पे रुके महाप्रभु बराहनगर में। तो वहाँ पे ब्राह्मण थे जो भागवत पढ़ रहे थे, तो उनका नाम रख दिया भागवत आचार्य, है ना। इस प्रकार से गंगा के तट पर स्थित प्रत्येक गांव में प्रभु भक्तों के मंदिरों में पधारे, रुके भी, भक्तों के घर जा जाकर वहाँ रुकते थे। वहाँ में रिलेशंस, प्रेम भक्ति, रात में कृष्ण कथा, ये सब। वहाँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके प्रभु फिर नीलाचल धाम चले आए। गौड़ देश में पुनः प्रभु का विहार हुआ। जो इस विहार को सुनता है उसे और दुख नहीं मिलता। संपूर्ण नीलाचल देश में ध्वनि गूंज उठी कि सन्यासी शिरोमणि प्रभु फिर आए हुए हैं। महान आनंद के साथ सभी लोग जय जय ध्वनि प्रदान पूर्वक कह रहे थे कि सचल जगन्नाथ नीलाचल में पधारे हैं। नीलाचल में तो अचल है, यहाँ पे सचल। प्रभु के आगमन की वार्ता सुनकर उत्कल के सार्वभौम आदि सब पार्षदगण उसी क्षण आ पहुँचे। जब पहुँचे जगन्नाथपुरी तो सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र, बाकी जो भी थे भक्त वहाँ, वो सब भी पहुँच गए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। काफ़ी दिनों से बाहर थे, है ना। चिर दिन तक प्रभु के विरह में रह रहे भक्तगणों ने प्रभु को देखकर आनंद के साथ कीर्तन करना आरंभ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ने भी महान प्रेम से सबको गोद में लेकर सबके अंगों को नेत्रों के जल से सिंचित कर दिया। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर नीलाचल में काशी मिश्र के घर पर आनंद के साथ ठहरे हुए थे। श्री गौरचंद्र निरंतर नृत्य गीत और आनंद आवेश का प्रकाशन कर रहे थे। सर्व देश देख रहा था। कभी प्रभु जगन्नाथ के सम्मुख नृत्य करते थे,
उस समय प्रेम आनंद सुख के कारण प्रभु में आधा तिल मात्र भी बाहरी शुद्ध नहीं रहती थी। महाप्रभु कभी काशी मिश्र के मंदिर में तो कभी सिंधु के तट पर नृत्य करते थे। इस प्रकार निरंतर प्रेम विलास में रत प्रभु में आधा तिल मात्र भी अन्य कर्मों का प्रकाशन नहीं था। पाणी शंख बजते ही प्रभु उसी क्षण उठ पड़ते थे और कपाट खुलने पर जगन्नाथ के दर्शन किया करते थे। जगन्नाथ के दर्शन करके प्रभु जिस प्रेम का प्रकाशन किया करते थे वह अकथनीय तथा अद्भुत था। तो किसको? जगन्नाथ जी को देखकर प्रेम प्रकाश होता था। वह अकथनीय था, मानो गंगा की धाराएं बह रही हों। यह सब देखकर सब उत्कलवासियों को बड़ा अद्भुत लगा करता था। किसी के शरीर में दुख शोक शेष नहीं रह गया था। जिस दिशा की ओर श्री चैतन्य महाप्रभु चले जाते थे उसी दिशा में सब लोग हरि हरि कीर्तन करने लगते थे। प्रताप रुद्र को समाचार मिला कि श्री गौर सुंदर नीलाचल में पधारे हैं। समाचार सुनते ही नृपति प्रताप रुद्र उसी क्षण कटक छोड़कर जगन्नाथपुरी आ गए। तो राजा प्रताप रुद्र उस समय कहाँ थे? कटक में। जैसे ही पता चला कि महाप्रभु आ गए हैं वापस तो तुरंत वहाँ से कटक से पुरी आ गए। प्रभु को देखने के लिए राजा बड़ी प्रीति के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु प्रभु उन्हें कभी दर्शन नहीं देते थे। राजा ने सार्वभौम आदि सबसे अनुरोध किया, फिर भी भय के कारण प्रभु से कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है भय के कारण, डरते थे। तो हे महाशय, राजा ने कहा, कौन राजा? प्रताप रुद्र। हाँ, प्रताप रुद्र बोल रहे हैं कि यदि आप सब भयभीत हो तो हे महाशय ऐसा करो ताकि मैं छिपकर उन्हें देख सकूं। कि आप लोग भयभीत हो ठीक है, कार्यक्रम बढ़ाइए, पर मैं ही हट जाता हूँ और छिप कर देखूंगा गौरांग महाप्रभु को। राजा की आरती देखकर सभी भक्तगणों ने मिलकर मन में यह युक्ति की। जिस समय प्रभु कीर्तन में नृत्य किया करते हैं उस समय देव से उनमें बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। राजा भी परम भक्त हैं, वे उसी अवसर पर अगोचर रहकर प्रभु के दर्शन कर लेंगे। तो राजा की आरती देखकर सभी भक्तगण ने मिलकर मन में यह युक्ति की, कुछ उपाय निकाला है ना, कैसे राजा के दर्शन को मिलते, क्योंकि राजा बड़े श्रद्धालु थे, है ना। जिस समय प्रभु कीर्तन में नृत्य करते हैं उस समय देव से उनमें बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। जब भगवान नाचने लगते हैं तो उस समय उनको दिमाग नहीं रहता कि कौन सामने है कौन नहीं है, है ना। राजा भी परम भक्त है, उसी अवसर पर अगोचर में रहकर प्रभु के दर्शन कर लेंगे। बोले कि राजा भक्त है, उसको दर्शन में जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? ना, वस्त्र चेंज करना पड़ेगा, हम लोग जैसा वस्त्र पहन के जाके क्या सेवा करना है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु के समक्ष ले जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इस कारण कोई भी भक्त उत्कल सम्राट को श्री महाप्रभु के समक्ष ले जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, कि डरते थे। राजा की आरती देखकर सभी भक्तगणों ने मिलकर मन में यह युक्ति की। जिस समय प्रभु कीर्तन नृत्य किया करते उस समय दैव से उनमें बाहरी कुछ सद्बुद नहीं रहती। राजा भी परम भक्त है, वे उसी अवसर पर अगोचर रहकर प्रभु के दर्शन कर ले। बोले छुप के दर्शन कर लो जब नाचेंगे महाप्रभु संकीर्तन में। सभी ने राजा के समक्ष यह युक्ति प्रस्तावित की। राजा ने कहा, किसी उपाय से उन्हें केवल देखना चाहता हूँ। दैव से एक दिन ईश्वर नृत्य कर रहे थे कि सुनकर राजा का एक शीघ्र आ गए। तो बोले किस तरह से मेरे को दर्शन करा दीजिए। तो एक दिन की लीला है, भगवान नृत्य कर रहे थे उसी समय आ गए राजा, है ना। अंतराल में मतलब छिप कर रहकर राजा ने प्रभु के नृत्य करते हुए देखा। नृत्य परम अद्भुत था, जो कभी देखने को नहीं मिलता। कितनी ही धाराएं श्री नेत्रों से अभिचिन्न बह रही थी। क्षण क्षण में कंप स्वेद पुलक वैवर्ण दिखाई देता दे रहा था। भूमि पर प्रभु ऐसे पछाड़ खा रहे थे कि ऐसा कोई नहीं था जो देखने से भयभीत नहीं हो रहा हो। प्रभु ऐसी हुंकार और गर्जन कर रहे थे कि सुनकर प्रताप रुद्र के कान पकड़ कर रह गए। इतने जोर जोर से कान पकड़ लिए प्रताप रुद्र। कभी प्रभु विरह में ऐसे रो रहे थे कि राजा जनक को
राजा को दिखाई दिया जैसे श्री नेत्रों से नदी बह रही है। इस प्रकार से कितने ही तरह के अनंत विकारों का प्रकाशन हो रहा था, कितने विकार हो रहे हैं थे, कितने हो चुके थे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, किसने काउंट नहीं किया। दोनों महान भुजदंडों को निरंतर ऊपर उठाए हुए प्रभु हरि बोलो कहते हुए आनंद के साथ नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से नृत्य करके प्रभु कुछ क्षण के लिए पश्चात विद्या बाह्य बोध का प्रकाशन करते हुए सबको साथ लेकर बैठे। प्रभु का नृत्य देखकर राजा भी परम आनंदित मन से उसी क्षण अलक्षित रूप से चल दिए। अद्भुत नृत्य और अद्भुत विकारों को देखकर राजा के मन में अपार संतोष हुआ। केवल एक बात राजा के मन में उभर रही थी, वह भी उनका अनुग्रह होने के कारण ही ऐसा हुआ। प्रभु के नेत्रों से जितनी दिव्य धाराएं बहती है, निरवधि नृत्य करते रहने से, श्रीमुख से जितनी लार टपकती है, कीर्तन के उन विकारों से, धूलि लाला और नाटसिका का प्रेम धार से उनका संपूर्ण अंग व्याप्त हो जाता है। इन सब कृष्ण भावों को न समझ कर नृपति के मन में कुछ संदेह हुआ। किसी के समक्ष इन बातों का प्रकाशन किए बिना परम संतोष के साथ राजा अपने भवन को चले गए। प्रभु को देख राजा महासुखी होकर घर जाकर सो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा स्वयं जगन्नाथ अवतरित होकर सन्यासी का रूप धारण करके अपने आप संकीर्तन क्रीड़ा कर रहे थे। दोस्तों हेतु ईश्वर की माया के कारण राजा मर्म नहीं जान पाए। प्रताप रुद्र में ईश्वर के राजा कारण मर्म नहीं जान पाए। तो लोगों को बोल दीजिए प्रश्न रेडी रखेंगे, है ना, मिल 7:30 तक क्वेश्चन आंसर, 7:30-7:30। सुकृतिमान प्रताप रुद्र रात को स्वप्न देखने लगे कि वे जगन्नाथ के सामने गए हुए हैं। राजा ने देखा भगवान के श्री अंग धूल धूसरी थे, दोनों नेत्रों से जैसे गंगा की धाराएं बह रही हैं, दोनों शरीर नासिकाओं से निरंतर जल निकल रहा है, श्रीमुख से लार बाहर आ रही है, श्री अंग भींग रहा है। स्वप्न में राजा मन ही मन चिंतन करने लगे, यह कौन सी कैसी लीला है, समझ में नहीं आता जगन्नाथ की क्रीड़ा किस प्रकार की है। राजा जगन्नाथ के चरण स्पर्श करने को गए तो जगन्नाथ ने कहा, राजा यह तो उचित नहीं है, उत्तम कर्पूर कस्तूरी गंध चंदन और कुमकुम से तुम्हारा शरीर सारा अंग लेपित है, मेरा शरीर देखो धूल और लाला युक्त है, मुझे स्पर्श करना क्या तुम्हारे लिए उचित है। कौन बोले? जगन्नाथ जी, है ना, कौन? जगन्नाथ जी बोले कि मेरे को छूना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, है ना, मुझे स्पर्श करना क्या तुम्हारे लिए उचित है। आज तुम मेरा नृत्य देखने को गए थे, परंतु मेरे अंग में धूल और लाला देखकर तुम्हें घृणा आ गई, वही धूल और लाला देखो मेरे सारे अंग में है। तुम महाराज हो, महाराज के कुमार हो, मुझे स्पर्श करना क्या तुम्हारे लिए उचित है। इतना कहकर भृत्य की ओर देखकर दया में हंसने लगे। उसी क्षण राजा ने देखा कि सिंहासन पर स्वयं श्री चैतन्य निताय बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से उनका संपूर्ण श्री अंग धूल धूसरित है। प्रभु हंसकर राजा से कह रहे थे, यह तो उचित नहीं है। कुछ क्षण के पश्चात राजा जागृत हो गए। राजा चेतनता प्राप्त करके क्रंदन करने लगे, मैं महाअपराधी हूँ, पापी दुराचारी हूँ, मैं जान नहीं पाया कि चैतन्य ईश्वर के अवतार हैं, जिनकी माया से ब्रह्मा आदि मोहित हो जाते हैं, उन्हें जानने की शक्ति जीवों में कहाँ है। इस कारण हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपना दास बनाकर मेरे प्रति कृपा कीजिए। श्री जगन्नाथ स्वयं ही श्री चैतन्य गोसाई हैं। राजा जान गए कि इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। प्रभु के दर्शन के लिए राजा में विशेष उत्कंठा का संचार हुआ, फिर भी कोई भी दर्शन करवा देने में सक्षम नहीं था। दैव से प्रभु एक दिन कुछ पार्षद वर्ग के साथ पुष्प उद्यान में बैठे हुए थे, तो राजा की दर्शन थी, इच्छा थी कि मतलब महाप्रभु के दर्शन हो लगे। तो एक दिन गार्डन में बैठे थे, उद्यान में बैठे थे। प्रताप रुद्र ने एकाएक वहां जाकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया।
अंतहीन अश्रु कल्प और पुलकों से युक्त राजा आनंद से वहीं मूर्छित हो गए। विष्णु भक्ति की के चिन्ह देखकर प्रभु ने राजा के अंग में श्रीहस्त देकर उठ जाने के लिए कहा। श्रीहस्त के स्पर्श से राजा को चेतनता मिली। चैतन्य प्राप्त राजा प्रभु के चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे। हे कृपा सिंधु सर्वजीवनाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझ पापी की रक्षा, मुझ पातकी के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। हे स्वतंत्र विहार करने वाले कृपा सिंधु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे दीनबंधु श्री कृष्ण चैतन्य, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सर्वदेव वादे रामाकांत, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे एकांत भक्तजन वल्लभ, रक्षा कीजिए। हे महाशुद्ध सत्व रूपधारी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे संकीर्तन लंपट मुरारी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे अभिज्ञात तत्व गुण नाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कौन गा रहे हैं स्तुति? हे अभिज्ञात तत्व गुण नाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे परम लोक गुण धाम, रक्षा कीजिए। हे अजभव वंदे श्री चरण, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सन्यास धर्म के विभूषण, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे श्री गौर सुंदर महाप्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ, इस ऐसी कृपा करिए कि अब आप मुझे कभी न छोड़ें। प्रताप रुद्र की दैन्य उक्ति सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु ने उन पर कृपा की। प्रभु ने कहा, तुम्हें कृष्ण में भक्ति हो जाए, तुम कृष्ण कार्य के अतिरिक्त और कुछ न करो, जाकर निरंतर कृष्ण संकीर्तन किया करो, विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। सुदर्शन गिफ्ट में दे दिए किसको? राजा प्रताप रुद्र को। बोले, तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सार्वभौम और रमन राय, इन तीनों के लिए ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। तुम्हें मेरे एक वाक्य का पालन करना है, तुम मुझे कहीं भी प्रचारित नहीं करोगे। यदि अब तुम मेरा प्रचार करोगे तो सचमुच उस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। बोले कि किसी को बताना मत मेरे बारे में, प्रचार मत करना, नहीं तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। कौन बोले? महाराज प्रताप। हैं, प्रताप रुद्र से कहा, मेरे बारे में वर्तमान में तुम्हारी जो उपलब्धि है उसका किसी के समक्ष प्रकाश मत करना। यदि तुम प्रकाशित करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। महाप्रभु बोले, राजा को बोले कि किसको बताना, मैं चला जाऊँगा, ठीक है। इतना कहकर प्रभु ने उन्हें अपने गले की माला प्रदान करके संतुष्ट चित्त से विदा कर दिया। प्रभु को पुनः पुनः दंडवत प्रणति करके निवेदन करते हुए उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके प्रताप रुद्र चल दिए। प्रभु को देखकर पूर्ण काम हुए नृपति निरंतर श्री चैतन्य पाद का ध्यान करने लगे। प्रभु के साथ प्रताप रुद्र के साक्षात्कार के बारे में जो सुनते उन्हें प्रेम धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर नीलाचल में आनंद के साथ कीर्तन विहार करते हुए रहने लगे। प्रभु के जितने भी अनुचरों का नीलाचल में जन्म हुआ था वे सभी अपने प्राणेश्वर को पहचान गए। कृष्ण प्रेम के सागर श्री प्रद्युम्न मिश्र जिन्हें गौर सुंदर ने आत्मपद प्रदान किया, परमानंद महापात्र महाशय जिनका तब श्री चैतन्य भक्ति रसमय था, कृष्ण रस में परम विह्वल काशी मिश्र जिनके घर में प्रभु स्वयं ठहरे हुए थे। इस प्रकार से प्रभु सभी भृतों के साथ मिलकर निरवधि संकीर्तन के आनंद में मग्न रहे। श्री चैतन्य के जितने भी उदासीन दास थे वे सब आकर नीलाचल में रहने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।